हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगेन एज यूजुअल आई एम नवनील गौड फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर। यू आर वेलकम इन दिस वीडियो ऑफ यूकेजी क्लास। यूकेजी क्लास के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एज दिस वीडियो इज रिलेटेड टू ए लोअर क्लास यूकेजी, जैसे कि ये वीडियो लोअर क्लास यूकेजी के से रिलेटेड है। यूकेजी इज ए इनिशियल क्लास, ए प्री प्राइमरी क्लास। यूकेजी जो क्लास है वो बहुत ही छोटी क्लास है, वेयर द स्टूडेंट्स कांट डू ए ह्यूज और मच वर्क एट देयर सेल्फ लेवल, जहाँ पर बच्चे अपने लेवल पर अपने आप अपने खुद के बेसिस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। दे आर पास्ड ओनली एलकेजी क्लास, उन्होंने केवल एलकेजी क्लास पास करके वो यूकेजी में आए हैं। सो वी हैव टू गिव देम हेल्प एनीवेयर, हर जगह हमें उनको हेल्प देनी होती है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ताकि वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। वी हैव टू मेक देम प्रिपरेशंस, हमें उनको सारी तैयारियां करानी होती है। सो दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर द पेरेंट्स, इसलिए ये जो वीडियो है वो एक्चुअली पेरेंट्स के लिए है। दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ यूकेजी, ये वीडियो केवल यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द पेरेंट्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है। पेरेंट्स हैव टू लिसन एंड वॉच द वीडियो केयरफुली, पेरेंट्स को ये वीडियो ध्यान से देखना है और सुनना है, एंड दे हैव टू मेक द प्रैक्टिसेज बाय द स्टूडेंट्स, और ये जो प्रैक्टिसेज हम लोग बता रहे हैं ये स्टूडेंट्स को करवानी है। इफ द स्टूडेंट्स इफ द स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल, अगर स्टूडेंट्स स्कूल में होते हैं, देन इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट एट दिस टाइम, एट द दिस हॉलीडेज टाइम, अभी जो छुट्टियों का समय चल रहा है, इन दिस हॉलीडेज टाइम इट इज रिलेटेड टू पेरेंट्स, तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये पेरेंट्स से रिलेटेड हो जाती है, उनसे संबंधित हो जाती है। सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट, चलो पॉइंट पर आते हैं। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, दिस वीडियो इज रिलेटेड टू इंग्लिश, ये जो वीडियो है ये इंग्लिश से रिलेटेड है। एंड वी वॉन्ट टू टीच स्टूडेंट्स, वी वॉन्ट टू लर्न एक्सप्लेन स्टूडेंट्स हाउ टू राइट स्पेलिंग्स एंड हाउ टू रीड स्पेलिंग्स इन दिस क्लास। इस क्लास में हम एक्चुअली स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाह रहे हैं कि स्पेलिंग्स को कैसे राइट करना और स्पेलिंग्स को कैसे रीड करना। वी यूज ए 4-line नोटबुक फॉर राइटिंग द स्पेलिंग्स इन यूकेजी क्लास। यूकेजी क्लास में और लोअर जो क्लासेज होती है उनमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 4-line नोटबुक यूज करते हैं, तो हमें इस बात का नॉलेज हो कि हम ये 4-line नोटबुक का यूज क्यों करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को हर एक लेटर की साइज उसकी एक फिक्स हो जाए। आप भी जानते होंगे बाद में जो अपर क्लासेज होती है आफ्टर 5th क्लास, वी डू नॉट यूज द 4-line नोटबुक इन इंग्लिश सब्जेक्ट, वी यूज ओनली 1-line नोटबुक फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द 6th क्लास। 6th क्लास से सारे सब्जेक्ट्स के लिए 1-line वाली नोटबुक ही चलती है, वहां पर फिर 4-line वाली नोटबुक नहीं रहती। तो यहां पर ये 4-line वाली नोटबुक जो है वो इसलिए है क्योंकि उसको हर एक जो उसका लेटर है वो कितनी साइज का लिखना है, कौन सा लेटर बिग आएगा, कौन सा लेटर स्मॉल आएगा, कौन सा लेटर लोअर पोर्शन में आएगा,
तो ये जो प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग 4 लाइन नोटबुक को यूज करते हैं लोअर क्लासेज में, ताकि उसकी एक प्रैक्टिस हो जाए। बाद में अगर 4 लाइन नोटबुक्स नहीं भी हो तो भी वो उस लेटर को, उस अक्षर को उतनी ही साइज का लिखे जितनी उसने प्रैक्टिस की है 4 लाइन्स की नोटबुक में। इसलिए 4 लाइन नोटबुक को यूज किया जाता है लोअर क्लासेज में। ये एक तरह की प्रैक्टिस है। जो वेरियस लेटर्स होते हैं, जो अलग अलग लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, उनकी साइज और शेप परफेक्ट करने के लिए, उनकी साइज परफेक्ट कितनी होनी चाहिए, उनकी शेप किस तरह की होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस करने के लिए एक्चुअली ये 4 लाइन नोटबुक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये एक्चुअली चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ये नॉलेज में आए कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में लिखना होता है इंग्लिश में, और कैपिटल लेटर कहाँ लिखना होता है, स्मॉल लेटर कहाँ लिखना होता है, ये जो चीज़ें वो उसको नॉलेज में आए। स्टूडेंट्स लर्न्ड द अल्फाबेट्स इन एलकेजी क्लास। स्टूडेंट्स ने अल्फाबेट्स सीखे हैं एलकेजी क्लास में। अल्फाबेट्स मीन्स ABCD सीखी है। कैपिटल लेटर यानी बड़ी ABCD, स्मॉल लेटर यानी छोटी ABCD। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ये एलकेजी क्लास में स्टूडेंट्स सीख चुके हैं। एंड नाउ दे हैव टू नो हाउ द लेटर्स मस्ट बी रिटन इन द 4 लाइन्स। और अब हम उनको ये सिखाना चाहते हैं कि वो जो कैपिटल लेटर्स हैं या स्मॉल लेटर्स हैं, उनको 4 लाइन्स में कैसे लिखना चाहिए। वी कैन टीच देम दिस थिंग बाई स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स के थ्रू हम लोग ये वाली जो प्रैक्टिस है ये उनको करवाई जा सकती है। स्पेलिंग्स के थ्रू जब अपन, अब इसको दो प्रकार से करवा सकते हैं अपन। एक तो अपन ABCD को ही लिखवाएं, बार बार ABCD को लिखवाएं और उसको बताते रहें कौन सा लेटर किस लाइन में आएगा, तो उसमें फिर उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ नहीं है, केवल वही चलता रहेगा। लेकिन अपन अगर स्पेलिंग के थ्रू उसको सिखाते हैं तो उसको दो टाइप की प्रैक्टिस होगी। एक तो स्पेलिंग्स कैसे लिखना है, और स्पेलिंग्स लिखते लिखते साथ में उसको ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि स्पेलिंग्स के अंदर जो लेटर्स लिखने होते हैं वो कैसे लिखने होते हैं, वो वाली प्रैक्टिस भी साथ में चलेगी, और स्पेलिंग्स कैसे लिखी जाती है, स्पेलिंग्स को रीड कैसे किया जाता है, ये भी उसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। सो इट इज द बेटर वे टू टीच द स्टूडेंट्स द राइटिंग एंड द रीडिंग प्रैक्टिस। बच्चों को राइटिंग और रीडिंग प्रैक्टिस सिखाने के लिए ये ज़्यादा बेटर वे है कि हम उनको स्पेलिंग सिखाएं और स्पेलिंग्स की राइटिंग सिखाएं। इसलिए मैं आपको ये स्पेशली कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जब आप उनको लिखना सिखाएं, जैसा कि हम लोग आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उनको आप क्वालिटी पर फोकस करें, आप उनकी क्वालिटी मेंटेन करें। आप ये नहीं सोचें कि एक ही दिन में वो 1 पेज कंप्लीट कर ले। भले ही वो एक दिन में 1 लाइन कंप्लीट कर पाए, लेकिन उस लाइन में जो भी लिखा जाए वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हो। जो लेटर जितनी लाइन में आना चाहिए उतनी लाइन में हो, जो लेटर जितनी लाइनों का आना चाहिए उतनी लाइनों में टच हो। कई बार मोस्टली क्या स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टच नहीं करते हैं। जैसे 3 लाइन्स का लेटर है तो उसको ऊपर की लाइन, अपर लाइन और लोअर लाइन में वो दोनों साइड से टच होना चाहिए, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स उनको दोनों साइड से टच नहीं करते हैं, कुछ गैप रख देते हैं, तो जो उसकी ओरिजिनल जो साइज मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, उसकी साइज वो परफेक्टली सीख नहीं पाता है, और वो चीज़ उसके हमेशा फिर एक उसके हैबिट में आ जाती है। सो वी शुड फोकस ऑन दिस थिंग दैट स्टूडेंट मस्ट बी राइट एनी लेटर बाई टचिंग द लाइन्स एज द लेटर मस्ट बी कम। जैसे लेटर आना चाहिए जितनी लाइनों में उतनी लाइनों में वो टच हो करके आए, कहीं पर भी अनटच वाली स्थिति नहीं हो, ये ध्यान विशेष रूप से देना है। तो इंग्लिश के लेटर को लिखते टाइम भी और हिंदी के जब प्रोनंसिएशन और उसका मीनिंग वो लिखे, तब भी वो जो मिडिल 2 लाइन्स है उनको टच करते हुए लिखे। तो ये जो लाइन की टचिंग का कॉन्सेप्ट है इसको भी वो ध्यान रखे,
और वो नहीं बल्कि मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप लोग इसका ध्यान रखें, जितनी लाइन का लेटर है उतनी लाइन में वो लेटर्स को टच करें। और इसी तरह कई बार टच नहीं करने के एक जो इशू आता है कि लाइन को टच नहीं किया, दूसरा इशू एक और आता है कि लाइन से आउट कर दिया, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट उसकी हैंडराइटिंग के लिए अच्छे नहीं है, आगे उसकी हैंडराइटिंग को वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, एक तो लेटर जो है वो लाइन्स के टच हो, अनटच नहीं हो, सेकंड वो लाइन से आउट नहीं जाए, बाहर नहीं जाए। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये ध्यान में रखते हुए अपन लिखवाएंगे तो अभी से उसकी जो हैंडराइटिंग है वो मेंटेन होते हुए चलेगी। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोज अप टू लेटर डी। लेटर डी तक हम लोग पिछले लेसन पीछे वीडियोज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड देयर आर 9 स्पेलिंग्स रिलेटेड टू एवरी लेटर इन द बुक विच वी अप्लाई फॉर द न्यू सेशन। नए सेशन के लिए जो बुक हमने अप्लाई की है वो बहुत ही सुपर बुक है यूकेजी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज देयर आर 9 स्पेलिंग्स आर अवेलेबल फॉर ईच लेटर। हर एक लेटर के लिए 9 स्पेलिंग्स वहाँ पर अवेलेबल है, एंड आई एम टेलिंग यू इन एवरी वीडियो दीज 9 स्पेलिंग्स ऑफ ईच लेटर। हर एक लेटर की एक एक लेटर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते जा रहे हैं हर वीडियो में, और ये पूरी 9 स्पेलिंग्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और आपको भी एक नोटबुक अप्लाई करते हुए ये स्टेप बाय स्टेप ये वर्क स्टूडेंट्स को करवाते जाना है। वी हैव स्टार्टेड द प्रैक्टिस फ्रॉम द लेटर ए। हमने ये जो प्रैक्टिस है ये ए वाले लेटर से स्टार्ट की थी, ए के बाद हमने बी की स्पेलिंग्स को डिस्कस किया, फिर सी एंड डी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ई के बारे में। तो ये जो पुरानी जो प्रैक्टिसेज हैं ए वाली, बी वाली, सी वाली और डी वाली, इन ये सब मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। सो हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोस, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं दे शुड वॉच देम श्योरली, उनको प्रीवियस वीडियो जरूर देखने चाहिए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ताकि वो सभी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें। लेट अस डिस्कस अबाउट टूडेज लेटर, आइए शुरू करते हैं आज के लेटर का डिस्कशन। एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टूडेज लेटर इज ई, आज का जो लेटर है वो ई है, एंड देर आर 9 स्पेलिंग्स अवेलेबल हीयर फॉर लेटर ई। यहाँ पर ई से जो रिलेटेड 9 स्पेलिंग्स दी गई है। यू हैव टू मेक द राइटिंग प्रैक्टिस बाई द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से आपको ये 9 स्पेलिंग लिखवानी है उसकी नोटबुक में, और आप लोग उसको ए वाली 9 स्पेलिंग से रेगुलर लिखवाते जा रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अब उसको ए के बाद में 1 पेज में 1 लेटर की स्पेलिंग्स आप लिखवाएं, जैसे एकदम स्टार्टिंग में जो पेज है वो ए वाली 9 स्पेलिंग्स लिख ली होगी स्टूडेंट ने, फिर अगले नेक्स्ट पेज पर बी वाली स्पेलिंग्स, एंड आफ्टर द नेक्स्ट पेज रिलेटेड टू सी लेटर, एंड देन द डी लेटर, एंड आफ्टर डी लेटर यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस ऑफ लेटर ई स्पेलिंग्स। ई वाली जो स्पेलिंग्स है उनकी आपको प्रैक्टिस नेक्स्ट पेज पर करवानी है, एंड यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एंड आल्सो द ओरल। राइटिंग की प्रैक्टिस कराने के साथ साथ आपको ओरल वाली प्रैक्टिस भी करानी होगी, यानी जो स्पेलिंग्स आप उसको राइट करवाते हैं, जो लिखवाते हैं, उसके साथ साथ उसको बुलवाने की भी प्रैक्टिस करवाएं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू मेक द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग आई, यदि आप आई वाली स्पेलिंग की राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, देन यू हैव टू मेक द ओरल प्रैक्टिस आल्सो। आई वाली स्पेलिंग्स अगर आप लिखवाते हैं तो वो लिखवाने के बाद आपको ओरल वाली प्रैक्टिस भी करानी चाहिए, मौखिक उसको बुलवाने की प्रोनंसिएशन की भी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द लेटर्स एंड देयर लाइन्स, आपको केयरफुल रहना है, सावधान रहना है लेटर्स की लाइनों के बारे में।
यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ई इज रिटन इन द अपर थ्री लाइन्स. ई जो लिखा हुआ है वो अपर थ्री लाइन्स में लिखा हुआ है. एवरी फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी स्पेलिंग, हर एक स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा गया है यहाँ पर, और कैपिटल यानी बड़ी एबीसीडी का जो लेटर होगा वो अपर थ्री लाइन्स में मेंशन किया जाएगा. और तो हर एक स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो अपर थ्री लाइन्स में मेंशन किया गया है. जैसा कि आप देख रहे हैं, आप ई को देख रहे होंगे, हर स्पेलिंग के अंदर जो ई है, जो एकदम शुरुआत का लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो अपर थ्री लाइन्स में लिखा गया है, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है हर एक का. तो जब भी कोई भी कैपिटल लेटर लिखना हो, जब भी कोई आपको बड़ी एबीसीडी का लेटर कहीं भी लिखना हो, तो वो अपर थ्री लाइन्स में आपको लिखवाना है. और बाकी के लेटर्स किस लाइन में लिखे जाएंगे ये आपको देखने से समझ में आ ही रहा होगा. जैसे कि हम बात करें आई की, तो कैपिटल ई जो है वो लिखने के बाद वाई जो है वो लोअर थ्री लाइन्स का लेटर है, नीचे की तीन लाइनों में ये लिखा हुआ है. ई जो है वो मिडल टू लाइन्स का लेटर है, जो बीच की दो लाइनों में लिखा हुआ है. इस तरह ये तीनों ही लेटर अलग अलग लाइन में मेंशन किए जाते हैं, अलग अलग लाइन्स में इनको लिखा जाता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है. यहाँ पर एक बात और ध्यान में देने की है कि कोई भी लेटर आपस में टच नहीं हो, आपस में एक दूसरे से टच नहीं हो, और उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं हो कि वो दूर दूर नजर आए. जैसा कि जितनी स्पेस यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर जो दिख रही है आपको, उतनी ही स्पेस आप लेटर्स के बीच में लिखवाएं. वो एक ग्रुप में दिखने चाहिए लेटर्स, यानी एक स्पेलिंग के रूप में दिखने चाहिए, दूर दूर न लिखें और एक दूसरे से टच भी नहीं हो. इन दोनों ही बातों का आपको ध्यान रखना होगा. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ई वाई ई आई आई मीन्स आँख. यहाँ पर ये जो हिंदी के लेटर्स हैं वो मिडिल टू लाइन्स में मेंशन किए गए हैं. इसी तरह बाकी की स्पेलिंग्स भी आपको लिखवानी है और उसको ओरल प्रैक्टिस भी करवानी है. I am pronouncing all these nine spellings for you. आपके लिए मैं सभी नाइन स्पेलिंग्स को प्रनंस कर रहा हूँ, उच्चारण इनका कर रहा हूँ. आपको भी इसी तरह स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवानी है. एक बार आप रिटर्न प्रैक्टिस करा लें, जो स्पेलिंग्स आप लिखवाएं उसके तुरंत बाद उसको आप एक्सप्लेन करते हुए स्टूडेंट से ओरल प्रैक्टिस भी जरूर करवाएं. ई वाई ई आई मीन्स आँख, ई ए आर ईयर मीन्स कान, ई ए जी एल ई ईगल मीन्स चील या बाज, ई ए आर टी एच अर्थ मीन्स पृथ्वी, ई आई जी एच टी एट मीन्स आठ, ई एल बी ओ डब्ल्यू एल्बो मीन्स कोहनी, ई एक्स आई टी एग्जिट मीन्स बाहर, ई एन जी आई एन ई इंजन मीन्स इंजन, ई आर ए एस ई आर इरेजर मीन्स साफ करने वाला. सो दीज आर द स्पेलिंग्स विच आर रिलेटेड टू लेटर ई गिवन इन द बुक, जो बुक में दी हुई है, और हर लेटर की नाइन स्पेलिंग्स हैं. इसी तरह ई से जुड़ी हुई नाइन स्पेलिंग्स ये हैं, और ये आप वीडियो में अच्छी तरह देख सकते हैं. दीज आर वेरी क्लियरली शोन इन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन. यहाँ स्क्रीन पर इनको क्लियरली शो किया गया है, दिखाया गया है. आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में लिखा हुआ है. फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा, लेटर जितनी लाइन में मेंशन किया जाता है उतनी लाइन में वो टच हो, अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी, और वो आउट भी नहीं जाए, वो उनके बीच में अननेसेसरीली यानी अनावश्यक रूप से स्पेस भी नहीं हो और वो आपस में टच भी नहीं हो. इन सभी बातों का ध्यान रखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवानी है. और ये आप कोशिश नहीं करें, फोर्स नहीं करें स्टूडेंट के साथ में कि वो वन डे में ही कंप्लीट अपना वर्क करें. आप वन डे में टू स्पेलिंग्स भी अगर आप कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली उससे करवाएं, तो वो धीरे धीरे उसको अंडरस्टैंड करेगा कि वो किस तरह से स्पेलिंग्स को लिखनी है. और टू और थ्री जितनी भी स्पेलिंग्स आप लिखवाएं, उसको आप ओरल प्रैक्टिस भी उनकी करवाते रहें. सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यूज द टाइम ऑफ लॉकडाउन, यूज द टाइम ऑफ हॉलीडेज फॉर दीज प्रैक्टिसेज. इन प्रैक्टिसेज के लिए अपना टाइम यूज करते रहे एंड ग्रो अप इन ए बेटर वे, और एक अच्छी तरह से ग्रो करके आए स्कूल में.
आई होप द स्कूल विल बी ओपन शॉर्टली, जल्दी ही स्कूल ओपन होने वाले हैं. वी विल मीट इन द स्कूल एंड वी विल मेक द प्रैक्टिसेज विद यू ऑल्सो आफ्टर ओपनिंग द स्कूल. टिल दैट डू योर प्रैक्टिस, हैव ए नाइस डे. ओके, बाय.